माल को ढीला रखेंगे। कंधा ढीला रखिए। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दी। लूज सॉफ्ट ब्रीद आउट रिलैक्स योर शोल्डर ब्रीद आउट शोल्डर रिलैक्स शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दी। कमर को लूज रखेंगे। लंबा सांस लेके सांस छोड़िए। लंबा सांस लीजिए सांस छोड़िए ढीला रखिए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ स्पाइनल स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ मिस्टर मजूमदार हैं। ही इज फ्रॉम गुवाहाटी। इनको ही हैज बीन हैविंग लो बैक पेन फॉर मेबी फॉर टू इयर्स। दो साल से दर्द बहुत ज्यादा सर और ज्यादा दर्द से। तो इट्स मोर देन टू इयर्स ही हैज बीन हैविंग लो बैक पेन। इट्स अ क्रॉनिक बैक पेन जिसकी वजह से ये दिल्ली आए थे फॉर द कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। We have done almost 4 sessions with him, including today, and we are going to ask him how he is feeling after the chiropractic session. So, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो दर्द है, ये कैसे स्टार्ट होता? अपने आप स्टार्ट हुआ था? अपने आप से। अपने आप से। कोई वजन उठाया था या वैसे ही स्टार्ट हुआ? कोई आपका सेटिंग जो है बैठने का काम? बैठने का। So, इनका जो पेन है वो क्योंकि सिटिंग जॉब है बहुत ज्यादा बैठने की वजह से सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से क्रॉनिक बैक ही स्टार्ट हुआ था जिसको काफी टाइम हो गया था। और इस टाइम में आपने कुछ इसका इलाज कराया था? कुछ फर्क पड़ा था ट्रीटमेंट में? ऐसे बाग में यूज करता था ऐसे बैक में रहता था। ठीक। तो जो अभी आपको हमने जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट किया है तो इसके बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत हल्का महसूस हुआ। बहुत हल्का लग रहा है और पेन में भी कमी हुई? कमी है, पेन में कमी है। सो इस तरीके का जिनका काम है जिनको सिटिंग जॉब ज्यादा है वो सिटिंग जॉब की वजह से पॉस्चरल मिसअलाइनमेंट हो जाता है और मैकेनिकल बैक एक स्टार्ट हो जाता है जो कि कंटिन्यूसली पेन चलता रहता है। सो अगर कोई आपका सिटिंग जॉब है इफ यू हैव अ सिटिंग जॉब प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर बैक। डोंट सिट फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स। Sit almost for half an hour to 45 minutes. In between, you can get up and you can walk around. Apart from that, you need to sit straight. Don't lean down. Don't slouch on the chair. And third thing is that if you have any long back sitting job, then you should do some stretching exercises, some of the back extension exercises. So, inka jo pain tha, wo kafi kam ho gaya hai aur kafi halka feel kar rahe hain, jo ki kafi time se tha. और इनको आगे फ्यूचर में हमने यही गाइडेंस दिया है कि इनको थोड़ा वॉक स्टार्ट करना चाहिए और कुछ एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए ताकि इनको इस तरीके की प्रॉब्लम दोबारा ना स्टार्ट हो। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो एंड थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन आवर वर्क। इफ यू हैव एनी सिमिलर इशू और इफ यू हैव एनी बैक इशू यू कैन राइट डाउन इन आवर कमेंट बॉक्स वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन सो देन यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस्टर नागनाथ।